बेड़ा गर्क। लगता है सर अपराध ने इससे बात कर ली है, इंकार ही किया होगा उसने, लेकिन अब मुझे क्यों फोन कर रही है? अगर मुझे एक आदमी को मारने की इजाज़त मिले ना, तो वो यही आदमी होगा। जिस तरह की हरकतें ये करता है, किसी ना किसी के हाथों ये ज़रूर मारा जाएगा। उसकी जुर्रत भी कैसे हुई कि ये सरबरार से मेरे रिश्ते की बात करता, उनसे वो सब कुछ कहता जो उसने कहा है, पसंद करता है। माई फुट, पहले ओसामा और अब ज़ारून जुनैद, उन्होंने क्या मिलकर प्लान किया मुझे बेवकूफ़ बनाने का, या फिर इस स्कीम का कोई और मकसद है? जो भी है, मैं ज़ारून का दिमाग ठिकाने लगा के ही रहूंगी। वनीला, पानी और ग्लास भी लेती आना बेटा, और अब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। इसे क्या हुआ? शायद कोई ऑफिशियल मसला हो। मैं भी देख के आती। सब खैरियत है? नहीं। क्यों, क्या हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा। मुझे परेशान कर रही हो, बताओ क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आता, जब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो फिर गड़बड़ क्यों शुरू हो जाती है? कैसी गड़बड़ हो गई? मैं चैन की सांस कब लूंगी? अल्लाह के वास्ते कशफ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? अगर मुझे वो उल्लू का पट्टा कहीं मिला तो मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखते रहेगा। तुम किसकी बात कर रही हो? ज़ारून जुनैद की, और किसकी?